साथी टीना और शालीन का जो फेक लव चालू है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फेक लव है या रियल लव। देखिए, शालीन की तरफ से जब शुरू हुआ था उसकी तरफ से काफ़ी हद तक प्योर था, दर्शकों को नहीं लगेगा ऐसा, लेकिन टीना ने बिल्कुल अपनी गेम के एडवांटेज के लिए शालीन को यूज़ किया। स्टैन एक पहला इंसान था जिसने शालीन को साइड पर जाकर बोला था कि टीना जो है इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, बट शालीन को हम अब प्यार में अंधा कहें या गेम के लिए कहें, वापस बार बार इमोशनल सपोर्ट के लिए वो टीना के पास ही गया है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि गेम में उसको और कोई दिखा नहीं, टीना ही थी जो जिस पर जो उसके लिए एक सहारा, एक कंधा बनी हुई थी। शालीन को ये बात बहुत देरी से समझ में आई है, और जब मैं शो में गया भी हूँ मैं भी यही बोल रहा था कि शालीन इट इज़ अ हाई टाइम, अब आपको अपना खुद का गेम खेलना चाहिए, खुद के स्टैंड लेने चाहिए। शालीन का जो सबसे बड़ा फाइट भी जो हुआ है दोनों बार स्टैन के साथ, उसका कारण भी टीना ही रही है। तो टीना ने अपने एडवांटेज के लिए आप कह सकते हैं शालीन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, और आगे जाकर मेरे को इनका कोई अच्छा भविष्य नहीं दिखता, ये निर्दोष नहीं रहने वाले। जी, साथ ही प्रियंका और निमरीत के बीच में रोज जो छोटे छोटे बात के लिए झगड़े हो जाते जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, दोनों सिमिलर एज ने, सबसे पहले मैं ये कहूँगा ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, और दोनों कलर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ईगो आ जाना या एक डिफरेंसेस आ जाना बहुत ही कॉमन है, इसलिए उनकी जो लड़ाई है वो डे वन से शुरू हो गई थी, ठीक है एटलीस्ट। लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए एक दूसरे से कभी दोस्ती करते नहीं दिखे हैं। अगर निमरीत सिर्फ अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ताकि वो शो में दिखे प्रियंका से झगड़ रही थी, तो प्रियंका भी इक्वली वापस उतना ही रिवर्ट बैक कर रही थी, और ये रिलेशन उनका जैसा डे वन से था वैसा आज की डेट में भी है। तो लोगों को एटलीस्ट उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि गेम के लिए उन्होंने अपनी बीच में फ्रेंडशिप कर ली, दुश्मनी कर ली, ऐसा नहीं रहा है। साथ ही सलमान खान सर ने कहा कि प्रियंका भी क्या हीरोइन बन सकती है, आप उनका देखिए ये बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन ऑन एयर भी गया है जो मैंने बिग बॉस के अंदर जाकर मैंने दिया है, घर के अंदर जाकर, कि प्रियंका का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और घर से निकलते ही बहुत से सरप्राइजेज है जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सरप्राइजेज उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप उन्हें बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं।